हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि यदि आपका अंडा बन रहा है, ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी कई बार नहीं रुकती है तो वो क्यों, उसका क्या रीज़न होता है। कई बार आप लोग ये चेक करते होंगे, चाहे सिम्टम के पर से या फिर आपके किट में देखते होंगे या फिर फोलिकुलर स्टडी करवाते होंगे, वहाँ पर होता है कि हाँ इस दिन आपका अंडा रिलीज हो चुका है और आप सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हैं, रिलेशन वाला पार्ट भी, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कई बार आप लोगों ने इंजेक्शन लिए होते हैं, उसके बाद जाके अंडा रप्चर हो जाता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, यहाँ पर आप कन्फर्म होते हैं कि हाँ ओव्यूलेशन हुआ ही है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी प्रेगनेंसी रुकने नहीं दे रही है जबकि वहाँ पर अंडा रिलीज हो चुका है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी अच्छे है, तो आज हम डिस्कस करने वाले डिटेल में, तो आखिर तक बने रहेगा फ्रेंड। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो है जो आप फ्री में देख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और उसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले बात करेंगे अंडा रिलीज हो रहा है यानी कि आपके पीरियड रेगुलर होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पीरियड रेगुलर होता है वो आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर आपने कुछ हेल्दी चेंजेस किए होते हैं लाइफस्टाइल में, जिसके चलते आपके पीरियड रेगुलर हो चुके हैं और उसी के चलते वहाँ पर अंडा भी बन जाता है, मेडिसिन्स के चलते या फिर इंजेक्शन कुछ भी करके अंडा हो चुका है। तो अंडा जब रिलीज हो चुका है यानी कि आपकी बॉडी में हॉर्मोन बैलेंस में है। अब वो कौन से हॉर्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में रहता है तभी जाके वहाँ पर फोलिकल अच्छे से बनते हैं, फोलिकल मैच्योर भी होती है और वहाँ पर अंडा बन जाता है। कई बार फोलिकल की साइज इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, अंडा नहीं बनता है, तो उस टाइम पे अंडे को रिलीज करने के लिए, फोलिकल को रप्चर करने के लिए गायनेक आपको इंजेक्शन देते होंगे HCG का, उसके चलते वहाँ पर ओव्यूलेशन भी हो जाता है। तो अब क्या होता है, देखो जब आपका अंडा बन जाता है उसके बाद चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो। सबसे पहला, जिस दिन आपका अंडा रिलीज हुआ है वो अंडा दो ही दिन आपके बॉडी में जिंदा रहने वाला है, तो वो दो दिन में मेक श्योर आपने रिलेशन रखे हो। रिलेशन रखते समय कई बार ऐसा होता है कि आपके यूट्रस की पोजीशन ऐसी होती है कि आपके हस्बैंड के सेल ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाते, तो उसको हम रिट्रोवर्टेड यूट्रस बोलते हैं। अब रिट्रोवर्टेड यूट्रस में ये दिक्कत रहती है, सेल ऊपर तक नहीं जाएंगे, अंडा चाहे बना हो तो प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं, और आपको ये पता भी नहीं होगा, आपने बहुत बार ये सुना भी नहीं होगा, नहीं आपको इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं मिला होगा। तो यदि आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे, सोनोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे, वहाँ पर यूट्रस कैसा है, रिट्रोवर्टेड है या एंटीवर्टेड, ये आपको दिख जाएगा। यदि रिट्रोवर्टेड यूट्रस आप वहाँ पर मिले, अभी रिपोर्ट देखिए, वहाँ पर यदि रिट्रोवर्टेड यूट्रस आपको मिलता है तो क्या करना है, रिलेशन रखते समय अपनी कमर के नीचे एक तकिया रख दो और रिलेशन के बाद 15 मिनट तक पास वाली दीवार पे पैर ऊपर करके सोते रहो। तो यदि अच्छे से ओव्यूलेशन हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती तो एक मेन कॉज होता है यूट्रस की पोजिशन। आपको कोई पास्ट में सर्जरी हुई है, सी सेक्शन या फिर कोई और एब्डोमिनल सर्जरी, या फिर आपको बार बार वाइट पानी गिरता रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में आपके अब्डोमेन में, आपके पेट में एडेशन यानी कि सब चिपक जाता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है और एडेशन के चलते भी वहाँ पर यूट्रस की पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसके चलते भी आपके हस्बैंड के सेल ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ये पहला रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है वाइट डिस्चार्ज इटसेल्फ। यदि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज रहेगा तो आपकी पीएच अल्टर हो जाएगी और वो अल्टर पीएच क्या करेगी, वहाँ पर जब रिलेशन होगा तुरंत ही वहाँ पर सेल मर जाएंगे, ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, उसकी मोटिलिटी वाइटालिटी सब बिगड़ जाएगी, तो ऐसे में नहीं रहेगी। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेनी है, वीक में एक ही बार मेडोरिनम 1 mg 1 डोज आप वीक में एक बार ले लीजिए दोनों हस्बैंड और वाइफ, फिर प्लान कीजिए, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगा यदि सब कुछ नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो। अब क्या होता है, अंडा भी बन गया, रिलेशन भी रख लिया, अच्छे से सब टिप भी फॉलो की रिलेशन वाली, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब में पहला बच्चा तैयार होता है, जायगोट जिसको बोलते हैं, वो ओव्यूलेशन के 5 या 6 दिन बाद आपके बच्चेदानी में आके चिपकेगा, तो तब आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से बनी होनी चाहिए। यदि एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से नहीं बनेगी तो आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पर नहीं रुकेगी, क्योंकि बच्चा चिपकेगा कहाँ पर। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी तरह से बनाने के लिए क्या करना चाहिए,
तो अच्छे से अपना हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन कीजिए, सारे विटामिन्स लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से यूट्रस और ओवरी का ब्लड फ्लो अच्छे से बनेगा, वहाँ पर अच्छे से ब्लड फ्लो आएगा तो जो सेल्स होंगे उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छे से बनेगी, तुरंत ही प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो उसके लिए थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है। दूसरी, यदि सब कुछ कर रहे हैं फिर भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से नहीं बन रही है तो क्या होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी होती है। तो उसके लिए आप मुझे कंसल्ट करना चाहे तो अपॉइंटमेंट की सिस्टम रखी हुई है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें इसके सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक या दो महीने में मेरे यहाँ प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो इस तरह से आपकी भी रुक सकती है, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से बन जाएगी, तुरंत ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरा एक क्या चीज़ होती है कि वहाँ पर चलो ओव्यूलेशन हुआ, उसका अच्छे से वहाँ पर इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, फिर क्या होता है जब हमारी पीरियड की डेट नज़दीक आती है उस टाइम पे यदि आप हेयर वॉश कर देंगे तो वहाँ पर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और पीरियड के साथ चिपका हुआ बच्चा भी बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेंसेस के 20 या 22 दिन के बाद हेयर वॉश बंद कर देना है ताकि जो इम्प्लांट हुआ बच्चा है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना आए और वहाँ पर वो चिपका रहे। अब कई बार एक क्वेरी आती है कि हेयर वॉश क्यों नहीं करना है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो जो हमारा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो प्रेगनेंसी को टिकाए रखने के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो इस हालत में यदि आप हेयर वॉश करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। अब हमारी जो नेचुरल साइकिल होती है वहाँ पर क्या होता है, हर महीने जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्रॉप होता है उसके 8 या 10 घंटे बाद हमारा नेचुरल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आप हेयर वॉश करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्रॉप हो जाएगा, पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, चिपका हुआ बच्चा भी बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें हेयर वॉश नहीं करना है और ये चीज़ यदि आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ओव्यूलेशन होने के बाद तुरंत प्रेगनेंसी रुक जाएगी। यानी कि क्या होता है 20 या 25% केसेस में वहाँ पर इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, बच्चा रह भी जाता है, लेकिन आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपकी डेट मिस नहीं होगी, 2-3 दिन ऊपर नहीं जाते, आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते, तब तक तो आपको पता नहीं होता है, तब तक आपने हेयर वॉश के लिए होते हैं और आपके हाथ में वो प्रेगनेंसी नहीं आती है, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि जब आप ओव्यूलेशन हो जाए उसके बाद 15 दिन बहुत ही स्ट्रिक्ट सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। एक ये रीज़न ये भी है कि कई बार क्या होता है अच्छे से सब कुछ हो गया लेकिन फिर 22-25 दिन के बाद वहाँ पर रिलेशन कंटिन्यू रखते हैं, तो यदि आप रिलेशन रखेंगे तो भी यूट्रन जो वॉल है वो डिस्टर्ब होगी और वहाँ पर आपके पीरियड स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पीरियड के साथ बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो 20 से 22 दिन के बाद आपको रिलेशन भी नहीं रखना है, हेयर वॉश भी नहीं करना है। और यहाँ पर दूसरी एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपकी बॉडी आपको कुछ साइन सिम्टम्स बताती है। तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन के टाइम पर कई बार आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा आएगा, क्रेम्स आएंगे, पेन। दूसरा, जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपके बॉडी में बीटा एसजी हार्मोन डेवलप होने लगता है और वो डेली दुगुना बढ़ता है। तो इस टाइम पे यदि आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स नजर आएंगे वो आप देख लेंगे, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा हेवीनेस होगा, टेंडरनेस होगा, नोजिटिव फीलिंग आएगी, मूड अल्टर होगा। फिर दूसरा सिम्टम ये होता है कि आपको खाने में चेंजेस मिल जाएंगे, कई बार अच्छी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद होगी वो कई बार नहीं अच्छी लगेगी। तो ये जो मूड स्विंग होते हैं और ये जो टेस्ट चेंज होता है ये दो इनिशियल सिम्टम है जो आप पता कर पाएंगे, और जब आपको वो फील होना स्टार्ट हो जाए तुरंत ही आप ये सारे प्रिकॉशन स्टार्ट कर दीजिए, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी एक चीज़ जो मेन होती है वो है आपके अंडे की क्वालिटी। यदि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी हस्बैंड और वाइफ दोनों की, तो चाहे ओव्यूलेशन हो गया फिर भी प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं, क्योंकि अंडा इतना कैपेबल ही नहीं है आपकी प्रेगनेंसी रुका सके। तो अंडे की क्वालिटी अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है। तो प्रोटीन सलाद की रेसिपी ऑलरेडी मैंने रखी है, वो वीडियो आप डिटेल में देख के वो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। स्मूदी बताई है जिसमें अंजीर, खजूर और ड्राई फ्रूट पाउडर है, बनाना है। तो ये जो स्मूदी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आपको आयरन, प्रोटीन, जिंक, विटामिन सब कुछ मिल जाएगा जो आपकी अंडे की क्वालिटी भी बढ़ाएगा, प्लस आपकी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेगा और प्रेगनेंसी रिजल्ट तुरंत ही मिल जाएगा आपको। तो वो स्मूदी हस्बैंड और वाइफ दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे से सारे विटामिन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, B12, मल्टीविटामिन अच्छे से हस्बैंड और वाइफ दोनों लीजिए। विटामिन लेवल आपकी बॉडी में अच्छा होगा तभी जाके आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से होगी
और वहाँ पर इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होगा। तो विटामिन सारे लेते रहिए और सारी मेडिसिन लेते रहिए, साथ में यदि आप टिप फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएंगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेडिसिन नहीं लेते, अपने रिपोर्ट ठीक नहीं करते, ऐसे ही टिप्स फॉलो करते रहते हैं, उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। एज के चलते भी ये होता है, जब आपकी एज ज़्यादा होगी, आपकी उम्र ज़्यादा होगी, तब आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा कि सब रिपोर्ट अच्छे है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत ही अच्छे है। तो चलो फ्रेंड, इसमें से कुछ समझ में ना आ रहा हो, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, क्या कि उसकी प्रेगनेंसी भी हमें जल्दी से रुकनी है। हमारे चैनल पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। जितने भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हो, अपने जो गुड रिजल्ट है वो यहाँ पर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए। और फिर वीडियो अच्छा लगा है तो पहले लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।